बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। ये ईद का क्या उद्देश्य है? बकरा ईद का? बकरा ईद देखिए, ये हमारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब हैसियत है, जिसके पास कुर्बानी कराने के लिए वसात है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के ताल्लुक से हुक्म दिया है कि कुर्बानी हमारे ऊपर, अगर हम साहिब हैसियत हैं तो हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मनकान वसात वलम यज़ह फला अक्रबन्न मुसल्लाना, फरमाया कि जिसके पास वसात है, जो कुर्बानी कराने की हैसियत में है, कुर्बानी न कराए तो हमारी ईदगाह में ना आए। कुर्बानी ये हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की अपने बेटे की, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने उनके इस कुर्बानी को कबूल करके तमाम उम्मत के लिए उस कुर्बानी को उनके लिए सुन्नत बना दिया। ईद के मौके पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त जो है हमारा ये मुल्क हमेशा गंगा जमुना तहजीब का मरकज रहा है, लेकिन ये चंद सालों से हमारा ये मुल्क जो है अखलाकी गिरावट और इंसानी सोच और आज इंसानों की जो पामाली, तो ये हमारा ये मुल्क हमेशा हमदर्दी और उफूवत का रहा, इसलिए हमारा ये फरीजा है और हम इसके ज़रिए से हम ये लोगों को ये हुक्म देना, लोगों को ये इस बात की तरह दरख्वास्त करते हैं कि हम बजाय मजहबी रवायात से हम इंसानियत के मुताबिक हम अपने ऊपर इस बात को सोचें कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें इंसान बनाया है और इंसान हर इंसान की कदर करे। आज ये हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर से जो ये हिंदू मुसलमान का जो ये खेल जो चल रहा है, इस खेल से उठ, इस खेल को छोड़ करके हमारे अंदर ये आनी चाहिए कि हम इंसान हैं, अल्लाह तबारक तआला ने हमें इंसान बनाया है और हर इंसान की कदर और हर इंसान की इज्जत और हर इंसान का एहतराम ये सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है। इससे हम लोगों को ये इस बात की दावत देना चाहते हैं कि हमारा ये जो त्यौहार, वो चाहे ईद का त्यौहार हो या बकरा ईद का त्यौहार हो, ये इस त्यौहार से हमें यही मिशन मिलता है और यही हमें जो है तालीम दी जाती है कि जिस तरीके से हम इस त्यौहार के अंदर मेल मोहब्बत के साथ और अखुवत और हमदर्दी के साथ मिल करके एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ ईद मिलते हैं, इसी तरीके से हमारे अंदर ये भेदभाव ख़त्म हो जाए।